नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके लिए लाई हूं वो है ये पंजाब की फेमस माँ छोलिया दी दाल। जी हाँ, पंजाब में ये काफी फेमस है और बहुत टेस्टी बनती है। इसे लंगर वाली दाल भी कहते हैं, गुरुद्वारों में भी इसे सर्व किया जाता है। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी, पंजाबी माँ छोलिया दी दाल। माँ छोलिया की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ली है आधी कटोरी चने की दाल, और हमने ली है आधी कटोरी से थोड़ी सी कम ये काली धुली उड़द की दाल। इन दोनों को हमने मिलाकर एक घंटा भिगो दिया, और भिगोने के बाद हमने इन्हें प्रेशर कुक कर लिया है। प्रेशर कुकर में 3 विसिल दी है हमने, और उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून तेल डाल के, ये देखिए इस तरह से दाल बॉईल हो चुकी है। और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। कढ़ाई गरम होने रख दी है हमने, और अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। मैं पैन में इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। अब जब पंजाब की दाल बन रही है तो तड़का तो घी में ही बनेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो आप तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़ जाता है। तो घी गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1 टीस्पून जीरा। जीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग। गैस को इस वक्त मैं मीडियम लो पे कर देती हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि जीरा जल जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कटा हुआ लहसुन। ये 8 से 10 कलियां लहसुन की है जिनको मैंने काट लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ये भी जाएगा साथ में। और अब हम इन्हें थोड़ा सा घी में सोटे कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इनका जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, और लहसुन हल्का सा लाल हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से हम इसे पकाएंगे। अब फ्लेम मैं मीडियम पे रख देती हूँ। जब घी में तड़का लगता है तो अलग ही लेवल में का मजा आ जाता है दाल में। और ये दाल, माँ छोलिया की दाल, लंगर में भी मिलती है पंजाब में, गुरुद्वारों में बहुत फेमस दाल है ये, और बहुत टेस्टी होती है। देखिए हल्का सा लाल होने लगा है लहसुन, अदरक भी पकने आया है। देखिए हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम प्याज कटे हुए, ये भी रफली कटे हुए हैं। इस तरह से इन्हें भी पका लेंगे अदरक लहसुन के साथ। देखिए इस तरह से हमें प्याज को ज्यादा तो ब्राउन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा लाल करना है हल्का सा, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए प्याज थोड़ा सा लाल हो गया है, ज्यादा ब्राउन नहीं हुआ है लेकिन पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा डाल दें, कम पसंद है तो आप कम डालें। और 2 कटे हुए टमाटर। अब हमें इसे पकाना है जब तक टमाटर जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक डालने से जो है टमाटर जल्दी पक जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। मिला लेंगे इसे। इस तड़के को हमें अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से हम टमाटर को मैश करते हुए पका लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा रंग आया है तड़के का, और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है क्योंकि ये तड़का घी में पक रहा है।
देखिए इस तरह से हमें इसे पकाना है। हमने दाल को बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला था, इसलिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार पूरी दाल के लिए नमक डाला है। अगर आप बॉईल करते वक्त नमक डालते हैं तो फिर आप सिर्फ तड़के जितना ही नमक ऐड करें। पर हमने तड़के में हल्दी भी ऐड नहीं की है, क्योंकि हमने जब दाल को बॉईल किया था तब उसमें हमने हल्दी ऐड कर ली थी। देखिए बड़ा ही बढ़िया तड़का तैयार हो रहा है। फ्लेम इस वक्त गैस फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दी है। इस तड़के को हम एक आध मिनट और पका लेंगे इसी तरह से, ताकि जो घी है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, तड़का बिल्कुल पक जाए। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये लगभग तैयार है तड़का हमारा। टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बॉईल की हुई मां छोलियां की दाल। ये देखिए ये हमने ऐड कर दी, मिला लेंगे इसे तड़के के साथ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा रंग आया है दाल का, और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये गैस की फ्लेम को इस वक्त हम हाई पे कर देंगे फुल फ्लेम, और दाल को इस तरह से हल्का हल्का मैश करते हुए तड़के के साथ मिला लेंगे। वो इसलिए कि थोड़ी सी दाल साबित हो और हल्की सी जब मैश हो जाएगी तो दाल अच्छे से तड़के के साथ मिक्स हो जाएगी, एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा दाल में। देखिए इस तरह से, और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे करीब 5 मिनट तक। करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी बॉईल बढ़िया दाल जो है वो बॉईल हो चुकी है। देखिए अब इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये इसे बहुत अच्छी खुशबू देगा। मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना। अगर आपको ये लगता है कि आपकी दाल काफी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें पानी को अलग से थोड़े उबाल कर फिर इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में बॉईल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुझे इसमें पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। बस अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपको बताती हूँ सर्व करके कि ये दाल हमारी कैसी बनी है। तो लीजिए दोस्तों ये बढ़िया मां छोलियां दी दाल पंजाब की आपके लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये मेरी गारंटी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। हमने इसे गार्निश किया है थोड़े से हरे धनिए के साथ, आप इसे जरूर जरूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।